नादरा के अंदर शानदार नौकरियों का एक और इश्तेहार, नादरा में इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती होने का सुनहरी मौका। सबसे पहले हम इसकी समरी को देखते हैं। 25 फरवरी 2024 को नादरा की तरफ से एक और इश्तेहार जारी हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट, बीए, डीए, बैचलर हर कोई अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट इसकी 10 मार्च 2024 है। इसकी वैकेंसियाँ तकरीबन 1500 से ज्यादा है। वीडियो में इसकी डिटेल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, बीबीए, एमबीए, एमएस और मास्टर डिग्रीज जो कि एचईसी से वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद जेंडर की बात करें, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्किल एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो इंटेलिजेंस स्कोर्स के हवाले से इनकी स्किल और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। इधर आप एक चीज़ वाजे करते चलें कि इंटेलिजेंस कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज शामिल होंगे। इन कोर्सेज में प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स और बिजनेस राइटिंग शामिल होंगी। इंटरव्यू और टेस्टिंग के लिए आपको कॉल आएगी जब आप अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई करने के बाद आपको वेरिफिकेशन मैसेज आएगा। अगर तो आप क्राइटेरिया पे फुलफिल होंगे देन आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस कोई नहीं मिलेगा आपको, और 30 से 52 साल की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में 3 वैकेंसियां आई हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो पहले हम डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर की बात करते हैं, तो इसके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर कोई भी आर्मी से रिटायर ऑफिसर है तो वो बैचलर होना चाहिए, उसकी डिग्री एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और इंटेलिजेंस कोर्स उनके लिए लाजमी होगा। और डायरेक्टर के लिए एज जो होगी वो 50 साल होगी, डिप्टी डायरेक्टर के लिए 45 साल की उम्र की हद मुकर्रर है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का तजर्बा चाहिए इंटेलिजेंस कोर्स एक्सपीरियंस में। इसी तरह अगर हम बात करें इंटेलिजेंस ऑफिसर की, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ मैट्रिक और फिर इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज हो सकती है 52 और एक्सपीरियंस इसके लिए 4 साल का इंटेलिजेंस कोर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एंड पे सबसे अहम बात, अगर हम सैलरी की बात करें तो डायरेक्टर की सैलरी होगी 4,50,000 से 8,55,000 तक, डिप्टी डायरेक्टर की तनख्वाह होगी 2,63,200 से 5,00,000 तक और इंटेलिजेंस ऑफिसर की तनख्वाह होगी 80,000 से 1,12,900 रुपये तक। तो ये इनकी एवरेज सैलरीज होंगी और अपर एनुअल लिमिट के साथ। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, http://career.nadra.government.tk। इसके आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी डायरेक्ट वेबसाइट पे चल जाएंगे। वहाँ आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी उनके मुताबिक आपने अपने क्वाइफ दर्ज करने हैं और फिर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड हो गई है। अगर तो आप एलिजिबल हुए तो आपको फर्दर कॉल के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आपकी रिजेक्शन हुई तब भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।